जेकेके न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान। नवरात्रि के महापर्व पर शहर में चहल पहल का माहौल। नवरात्रि के महापर्व पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा व नोएडा विधायक पंकज सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। लगातार ये 30 वर्षों से चला आ रहा है और आज भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े उत्साह के वातावरण में इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है और हम सब लोगों की आज इस अवसर पर यही ईश्वर से प्रार्थना है कि यहाँ पर जो मंचन होगा श्री रामचंद्र जी के जीवन का, उस आदर्श से, उन मर्यादाओं से हमारा समाज सीखे और अपने जीवन में उतारने का काम करे, यही हम सब लोगों ने प्रार्थना की। सर, क्या रामलीला का जो मंचन हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान राम के आदर्शों का मंचन लगातार 30 वर्षों से, आप पूरे नोएडा वासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आर के सैनी ने नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यात्रा और जो विद्यादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं आर के सैनी, लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल नोएडा से। यूपी के गोंडा जिले में बाराही देवी के स्थान पर हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। नवरात्रि के कई दिन पहले से ही बाराही देवी के इस दरबार पर कई प्रदेश से भक्तों का आना शुरू हो जाता है। इस दरबार का महात्म दूर दूर तक होने लगा है। यहाँ सुबह और शाम बाराही देवी की आरती होती है जिसमें भारी संख्या में लोग शरीक होते हैं। प्रत्येक वर्ष इस दरबार पर दर्जनों की संख्या में जगराता होता है। बाराही देवी का पूरा दरबार घने बट वृक्ष के नीचे है। इस दरबार पर लोगों की ऐसी आस्था और विश्वास है कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। यहाँ पर कई वर्षों से क्षेत्रीय लोगों के सौजन्य से अष्टमी की रात्रि में विशाल माँ के जागरण का आयोजन होता है। यह जगराता आदर्श जागरण पार्टी मुकुंदपुर के द्वारा किया जाता है। जेकेके न्यूज की और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जेकेके न्यूज़।